हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन जहां सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब हंगामा हुआ, वहीं सदन के बाहर भी समस्त आउटसोर्स जल शक्ति विभाग कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि बीते दिनों मंडी जिला के जल शक्ति डिवीजन सुंदरनगर में ही विभिन्न पदों पर तैनात 48 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं अब इन कर्मचारियों ने सरकार से फिर से नौकरी बहाली की मांग की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को बीते 6 महीने से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिस कारण कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। सबसे पहली मांग हमारी अपनी नौकरी की बहाली की है, जिससे कि हमें बाहर कर दिया है पिछले कुछ दिनों से। तो सबसे पहले हमारा यही मुद्दा है कि हमें फिर से नौकरी में रखा जाए, पार्ट टाइम की बजाय हमें फुल टाइम दिया जाए, जैसे सब आउटसोर्स वर्करों को दिया गया है। हमारे साथ क्यों ऐसा शोषण किया जा रहा है, हमारे सबसे पहले यही मांग है। सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से मिलने के लिए हम सारे आज पूरे हिमाचल प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं।